में तूफान आने से बहुत डरती हूँ। Hey guys, so good morning, welcome back to my channel, Aryanda Trumpa. तो गाइस अभी बज रहा है 11 बज रहा है टाइम, तो वर्कआउट सब कुछ खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो गया। आज ब्रेकफास्ट में था पराठा एंड वो पराठे के साथ छोला भटूरा है कुछ बोलते ना वो था, तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो गाइस अभी रूम्पा देखो कल एक घंटे में वर्कआउट कंप्लीट किया था ना, आज उसने किया है आधे घंटे में पूरा वर्कआउट कंप्लीट, मतलब आदत हो गई है। अभी उसको उतना पेन भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा पेन भी नहीं हो रहा है उसको, तो मेरा भी वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। तो अभी चलो रूम्पा के पास चलते हैं। नहीं मैं लेके आऊँगा, आपको भी दिक्कत क्यों। ये देखो गाइस रूम्पा बोलो। दर्द बहुत ही कम हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा हो रही है दर्द। तो कैसा लग रहा है एक बार बोलो, फील कैसा लग रहा है आपको वर्कआउट वही करके? अच्छा लग रहा है, ये पेट बहुत कम हो गया। जब पानी ना आने के लिए नीचे गया ना तो माँ को दिखा रहे थे, माँ देख के बड़ी बड़ी आंखें हो गया था, वाओ दो दिन पे कैसे होती है ऐसे बोल के। अभी अभी बहन भी करेगा लेकिन आर्यन नहीं कराएगा। तो चलो गाइस अभी मैं काम पे बैठ जाऊंगा। काम पे क्या है आज देखता हूँ, आज तो बहुत सारा, कल का तो पेंडिंग था, कल रात में भी थोड़ा करंट गया था ना इसलिए थोड़ा पेंडिंग था। तो चलो अभी काम पे बैठते हैं। इधर क्या हो रहा है, कोरोना टीका लेके आके देखो हालत क्या हो गया, बोलो की हद से बोलो, कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना वायरस का टीका लेके माता झिम झिम से बुखार आ रही है साफ सी बात से। देखो जोर जोर टीका लेके आके भी करंट का हिसाब कर रहा है आके ऊपर। हाँ करंट का हिसाब कर रही है। नहीं मेरे बाबा ऐसे ही है, थोड़ा कंजूस है ना आर्यन से, थोड़ा कंजूस है आर्यन, ज्यादा कंजूस है। मैं क्या 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 कंजूस बना के बाद में बताऊंगी, क्या क्या कंजूस बना बाद में बताऊंगी। क्या कंजूस बना के बोल रही है, फिर इसका तार काटने के लिए पता है, क्योंकि वो फ्रिज का पानी नहीं खाती है ना, तो बाबा को बोल रही है तार काटने के लिए, क्योंकि फ्रिज का पानी मैं खाती हूँ इसलिए। हाँ, तो हर महीने में ही बाबा हिसाब करती है करंट कितना जा रही है कितना बिल आ रही है। तभी कोरोना कोरोना टीका लेके कैसा कैसा हो रही है आगे बता रही है देखो। बोलो काम करते खुद में डिस्टर्ब क्यों कर रही है? तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है कम करो। मैं लूडो खेल रही हूँ अभी, देखो अकेले अकेले खेल रही हूँ लूडो। चीटिंग कर लेते खेल रही है। मैं चीटिंग नहीं किया, चीटिंग करती हूँ, मैं चीटिंग नहीं करती हूँ। सो गाइस तो अभी मतलब मेरा काम खत्म हुआ है, तो आप लोग देख रहे थे ना बाबा के क्या क्या बातें कर रहा था, तो करंट का बिल है ऐसा है वैसा है, मतलब ऐसे ही मजाक में बोल रहा था, मजाक में मतलब वो समझता है कि अगर पैसा मेरे पास भी हो या घर में किसी के पास हो, मतलब फजूल खर्चा नहीं करना, तो बस यही समझता है, अच्छे के लिए बोलता है। तो रूम्पा को लगता है कि कंजूस है, गिफ्ट है, ऐसा ऐसा हो गया। तो मेरे को तो मतलब नहीं लगता, पर अच्छा ही लगता है क्योंकि अच्छा सोचता है वो, सही सोच रहे तो ही इंसान आगे बढ़ेगा। इसको कंजूस नहीं बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको कंजूस तो नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतलब फजूल खर्चा नहीं करना, बस यही। तो चलो, तो करंट के बिल के बारे में बात करा तो हंसी आ रही थी बहुत, तो मैं बोला मजाक से कि रूम्पा फ्रिज का पानी पीती ना तो तुम जाते वक्त उसका वायर कट के जाओ, ऐसे ही बोला था। तो हंस रही है रूम्पा। तो अभी वो चले गई है खाने के लिए, लंच का टाइम हो गया, तो अभी मैं भी जा रहा हूँ, तो चलो चलते हैं। नीचे आ गया हूँ, तो ये है साग भज्जा और ये है आलू भज्जा और मूली मिला के, करेला क्या मिला के, मूली मूली क्या, और हमारे उसमें बोल रहे हिंदी। आज मुझे बोला कुछ भी मत बोलो, मैं बोलूंगी ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी आज पूरा क्या क्या सालन बनाया, आर्यन बोलेगा ठीक है, वो भी उल्टा पलटा बोलेगा, आप लोग समझ लो ठीक है। तो ये है कीचड़, कीचड़ क्या, कीचड़ सर, ये कीचड़, और ये है वो क्या बोलते हैं मच्छी का सालन, बैंगन और आलू मिला के, और नीचे कुछ है, ये है डक आम का टक। लेकिन ये क्या भाजी है, आलू और इसके अंदर क्या है, प्याज करेला वो है। तो ठीक है ये देखो, ये उल्टा सीधा बातें बोलती है, ये है खाने को बहुत भूख लगी है, सुबह नहीं खा रहा। तो चलो मैं भी खाता हूँ। हाय गाइस, तो शॉर्ट वीडियो करने के लिए आया था, तो अभी देखो मौसम पूरा चेंज हो गया, अभी बारिश होने वाला है, उधर साइड देखो देखो पूरा चेंज हो गया मौसम, पूरा चेंज हो गया, पूरा 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 बारिश आने वाला है पूरा। तो जल्दी जल्दी चार्ज शूट करके खत्म कर दिया क्योंकि बारिश आने वाला है और चार्ज भी खत्म हो गया,
फोन में 2% कुछ चार्जिंग है बस। बोल रही है वो काकी जी, बोल रही है तेरा ससुर जी आ रही है। सो गाइस अभी हम लोग देखो पूरा हो गया है हमारा शूट में, अबर वीबर बहुत जबरदस्त आ रही है, तो आज देखो मजा आ जाएगा। आज करंट नहीं रहेगा, आज मेरी एडिटिंग नहीं होगी इसलिए बहुत ज्यादा मजा आएगा। बिजली कड़क रही है, बहुत जोर से बिजली कड़क रही है। अभी रूम्पा देखो फिर मेकअप करके आ गया फिर मेकअप करके आया क्योंकि शूट कर रहे थे ना गाइस, इसलिए मेकअप करके आया। तो अगर फटाफट हमारे वीडियो देखना है तो इंस्टाग्राम रील्स पे जाइए, आप वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वहाँ पे फॉलो कर दीजिए, ठीक है। अभी वीडियो चमक रही है, मुझे अभी नीचे जाना है क्योंकि मैं तूफान होने से बहुत डरती हूँ, ये तो कीड़े से डरती है। तो बहुत बारिश हुआ, बहुत विद्युत चमकाया, मजा आ गया। आर्यन बारिश में पानी नहाया, उसको बहुत अच्छा लगा। मैं डर गया, मुझे डर लगता है ग्रिप, वो बिजली में जाके मैं पानी नहीं तो रूपा डर गया क्योंकि मुझे डर लगता है अगर कुछ हो जाती तो। माँ तो बाप रे बाप, मेरी माँ तो बहुत डर गया था, बोल रही है वो अभी क्यों पानी नहाने के लिए गया, तो वो दरवाजे खोल के उधर जाके बैठ। मैं बोला जिसको डर नहीं है उसके लिए मैं क्यों जाऊँ, करने दो उसको पानी नहाने दो बस। तो बोलो तो गाइस देखो करंट रहेगा या नहीं रहेगा पता ही नहीं क्योंकि बहुत डेंजर था, तूफान आया, बाप रे बिजली हमारे गांव में मैं आसमान पे चमकते से देखा। वो आज देखा बिजली किधर चमकाती है जमीन में बराबर, कैसा पता है आसमान ये ना जमीन तक कैसा ऐसे कड़क 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 आ रही हूँ। आंखें देखो उसका एक्सप्रेशन देखो, माय गॉड मैं कुछ शॉक हो गया, बहुत डेंजर है वो चीज, अगर अगर गलती से भी लग गया ना खत्म, हम लोग लग गए चले गए सबके ऊपर। मुझे सच में विद्युत से बहुत डर लगता है, तूफान से बहुत डर लगता है, बहुत डरती हूँ, और कीड़े फिरे से मैं नहीं डरती हूँ बस, और मैं कीड़ों से उसको डरती हूँ मैं क्योंकि मैंने ठम्मी को 2-3 बार काटा था क्योंकि मैं कीड़ों से बहुत डरता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत डर है, खुला बोल रहा हूँ, वो झुंगू कीड़ा कुछ भी छोटी से छोटी चीज अभी भी आया अभी भी डर डर लगता है। कीड़ों से मैं बहुत डरता हूँ, वो छोटा मच्छर देख के भी डरती है शायद, है ना, मच्छर देख के डरती है, मच्छर नहीं डरता, कीड़ा देख के डरता हूँ। बड़ी बात है मच्छर देख के नहीं डरती, चुंटी से डरता हूँ बस। हाँ चुंटी से बहुत डरती है क्योंकि काटे तो काट देती, मतलब दांत देखा बिठा के जाती बहुत कुछ ज्यादा, बहुत मतलब वो काटे तो डर लगता है। तो गाइस मेरे बाप के बारे में कुछ बोल रही थी आर्यन, बुरे बात नहीं बोला मैं, ठीक है अच्छी बात बोला, बहुत अच्छी बात बोला, ठीक है क्योंकि मेरे पापा ऐसे है बहुत मेहनत करके आगे बढ़ाना। वीडियो अपलोड करने से पहले तुमको बताऊंगा, ठीक है, उसके देखना क्या मैं अच्छा बोला या नहीं बताती है, पता है जब एडिट करती है उसकी तरह एडिट कर क्या रखा क्या नहीं रखा नहीं बताती है, नहीं दिखाती है बस, ऐसे जब एडिट करती है तब मुझे नीचे भिजाते हैं, ऐसे बोलते तुम जाओ अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, ऐसे ऐसे क्या क्या बोलते हो ना, मैं चले जाती हूँ, इज्जत जाती है ना, इसलिए वो मम्मा मम्मा घोड़ा नहीं लग रही है, बहुत घोड़ा लग रही है, हाथ पे दर्द हो रहा है ना। तो मेरे पापा है ना ऐसा ही है, वो किसका पैसा वो नहीं देखेगा, बस खर्चा हो रही है तो देखेगा, बाहर से छुप छुप के खाना खाते हो, बाहर का खाना पता है, अगर पता चले ना पैसा वेस्ट किया ऐसे बोला। रूपा की भी बहुत बहुत बड़ी ख्वाहिश है, उसको घर चाहिए, बालकनी चाहिए, कांच चाहिए, फिर एसी क्योंकि चाहिए, मेरा घर गाड़ी नहीं है, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिश है, मेरे को ऐसी ख्वाहिश है कुछ भी नहीं है, बस कुछ नहीं है ख्वाहिश, नहीं वो ख्वाहिश नहीं है, हाथ में दर्द हो रहा है, बोला कुछ बोल रहा था यार। आर्यन को बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिश है, ठीक है, वो नहीं बताती है, दबा के रखते है, मैं ना बोल देती हूँ, मैं बोल देती हूँ, जब मैं दबा के तो रखता हूँ, जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा तब मैं वो ख्वाहिशें पूरी करूंगा, अभी क्या है वो पूरी जो ख्वाहिशें हैं ऐसा करके ऐसे जमा के, ठीक है, जब मैं क्या बोला, मैं क्या बोला, हाँ, मैं बोला रुको थोड़ा, मैं जस्ट बोला उधर साइड एक घर बनाना है, ऊपर एक बड़ा करके एक रूम बनाना है, ठीक है, तो क्या क्या बातें बोल रही है पता है, बोल रही वो इधर ही सोएगा, ये रूम पे ही सोएगा, क्या है ये रूम थोड़ा छोटा हो गया ना, इसलिए मैं बता रही थी कि वो बहुत बड़ा रूम होगा, बस अच्छी से बहुत अच्छी से मैं जमाऊंगी, बस यही ख्वाहिश था, क्या बुरा किया, क्या ख्वाहिश नहीं रख सकती हूँ मैं, ख्वाहिशें रखना बहुत अच्छी बात है क्योंकि ख्वाहिश रखने से इंसान आगे बढ़ती है, हाँ बढ़ती है आगे,
मतलब और क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट रहे तो खत्म, दब गया सब लोग। ख्वाहिशे रखना बहुत अच्छा है, क्योंकि ख्वाहिश रखने से आप लोग बोलते हो फैमिली के, फैमिली में जो लोग हैं उन लोगों को लेके वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा, पापा तो आ सकते हैं लेकिन उसको टाइम नहीं मिलते है, मम्मी नहीं आएगा क्योंकि उन लोगों का पैदा है बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश के मतलब बहुत शर्मीले लोग, बहुत शर्मीले, बहुत शर्माते है, बहुत शर्माते है। मेरी बहन वो भी बहुत शर्माती है कैमरा के सामने आने के लिए। जन्म हुआ बांग्लादेश में, पापा के, पापा का भी नहीं नहीं, मेरा जन्म इधर ही हुआ, हम लोग तीन बहन था, तीन बहन का इधर में हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरे बाबा बहुत पहले आ गया इधर डॉक्टर वो करने के लिए, इधर आ गया था पहले ही, फिर पहले अकेली रहती, फिर जाके मम्मी को शादी करके फिर इधर आके बस थोड़ा एकदम सेटल हो गया। अभी बांग्लादेश कहाँ जाती है, कभी कभार जाती है, बहुत सारी बातें करूंगी मैं भी बांग्लादेश बहुत दो तीन बार गया, और बांग्लादेश जाके मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इधर अभी भी इधर दाग है एक्सीडेंट का, ठीक है, तो मैं बाद में बताऊंगी। और एक बात गाइस, लव स्टोरी आप लोग बहुत बोल रहे हो, प्लीज कुछ और दिन वेट कर लो हमारे लिए, प्लीज कुछ और दिन जरूर बोलेंगे हम लोग स्टोरी, रूम्पा को मैं कैसा मिला, मेयर को रूम्पा कैसा मिली, रूम्पा ने मुझे क्या देख के प्रपोज किया, मैं रूम्पा को कैसा प्रपोज किया, रूम्पा मेरे को कैसा प्रपोज की, ये सब कुछ बहुत ही बड़ा है, प्लीज कुछ दिन वेट कर लो। ये मुझे प्रपोज नहीं किया था, दबा के रखा था, दबा के, ये सब कुछ बातें मैं सब बातें दबा के रखती हूं। थोड़ा टाइम दो गाइस प्लीज, आप कुछ गलत मत समझो, दिल से बोल रहा हूँ, पूरा बोल दूंगा, ठीक है, पक्का बोलूंगा, थोड़ा कुछ टाइम दो बस, आप कुछ नहीं तो चलो गाइस, अभी क्या बोलते हैं, करंट का भरोसा नहीं चला जाएगा, तो अभी हम लोग, मैं अभी वीडियो एंड कर दूंगा, एंड करके बैठ जाऊंगा एडिट करने के लिए, फिर मैं कल सुबह कुछ भी हो जाए सुबह में वीडियो अपलोड करना है। तो चलो गाइस, अभी हमारा वीडियो तो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और तुम बताओ। चलो गाइस, इस ब्लॉग को यही करते हैं, आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज लाइक करके जाना, इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, प्लीज गाइस कमेंट जरूर करना, आपका कमेंट पढ़ना, आपका कमेंट नहीं करती है, बार बार मत बोलो नहीं करती, मैं फिर भी बोलूंगा आपका कमेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, रूम्पा को भी अच्छा लगता है, पता थोड़ा करो या कुछ भी करो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो जरूर करूंगा रिप्लाई। तो गाइस, रूम्पा की बात दिल पे लगो, वो मतलब ऊपर से बोलती है, दिल से नहीं बोलती है, तो जाने दो। तो चलो गाइस, अभी डिनर आ जाएगा, डिनर हम लोग खत्म कर देंगे, तो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, बाय।